नमस्कार दोस्तों, वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आया हूँ उन पांच सबसे ज़्यादा ताकतवर जबड़े वाले कुत्ते जिनकी काटने की क्षमता एक शेर के बराबर भी है। दोस्तों, इनकी काटने की क्षमता इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि इनके जबड़े में अगर हमारे पैर फंस जाएँ तो उस जगह का मांस का टुकड़ा तो निकलना तय है और थोड़ा सा दबाव लगाने के बाद हमारी हड्डियों का चूरा भी बन सकता है। तो दोस्तों, नंबर पाँच पर जो आता है वो है इंग्लिश मस्टिफ। दोस्तों, इंग्लिश मस्टिफ जब काटता है तो वो लगाता है 550 PSI की पावर, जिसके कारण हमारे पैरों से मांस के टुकड़े को भी अलग किया जा सकता है खींच के। दोस्तों, इसकी जो हाइट होती है वो होती है 28 से 36 इंच तक की हाइट होती है। दोस्तों, इसका वेट जो होता है वो 55 kg से लेके 80 kg या मैक्स हो सकता है इससे ज़्यादा। दोस्तों, नंबर चार पर जो डॉग आता है वो उसका नाम है दोस्तों अलाबाय। अलाबाय दोस्तों सबसे ज़्यादा रसिया में फेमस है। रसिया के लोग इस कुत्ते को पालना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि दोस्तों ये कुत्ता बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला और गुस्सैल स्वभाव का होता है। दोस्तों, बच्चों के साथ इसको नहीं पाला जा सकता है क्योंकि दोस्तों ये जब काटता है तो 650 PSI की पावर लगाता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जबड़े से पकड़ लेता है इंसानों का। इसके दांत भी दोस्तों सबसे मजबूत वाले ब्रीड में से माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके सामने अलाबाय कभी भी आए, क्योंकि ये इंडिया में भी पाए जाते हैं, तो इससे दूर ही रहिएगा। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारे नज़र में नंबर तीन पर आता है कैन कॉर्सो। दोस्तों, कैन कॉर्सो एक मजबूत ब्रीड है, मस्कुलर ब्रीड है, देखने में काफ़ी डरावना लगता है अगर इसको सही से पाला जाए। दोस्तों, अगर आपने इसको सही से पाल लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है और ये एक डॉग फाइट वाला डॉगी है, मतलब ये डॉग फाइट कराने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूँ कि कैन कॉर्सो की इतनी ताकत है कि वो एक जीप को भी खींच सकता है, एक फोर व्हीलर गाड़ी को भी खींच सकता है। मस्कुलर पावर इसकी इतनी ज़्यादा होती है। वहीं पर दोस्तों, इसकी काटने की क्षमता जो है वो 700 PSI है, मतलब दोस्तों अलाबाय से भी 50 PSI ज़्यादा। दोस्तों, अगर इसके जबड़े में आपका पैर आ गया तो समझ लीजिए ये क्या हाल करेगा आपके पैर का। वहीं पर दोस्तों, इसकी हाइट जो होती है वो अलाबाय से और इंग्लिश मस्टिफ से कम होती है, 26 से 28 या 30 इंच तक मैक्सिमम जा सकता है। वहीं पर दोस्तों, इसका वेट जो होता है वो 40 kg से लेकर 60 kg के बीच में मस्कुलर वेट होता है, मतलब नो फैट वाला वेट होता है इसका। दोस्तों, ये काफ़ी ताकतवर डॉगी है। दोस्तों, नंबर दो पर आता है हम लोग के सबके जानने में अमेरिकन बैनडॉग। दोस्तों, ये डॉगी कई जगहों पर बैन कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसको आज भी लोग पालने का शौक़ रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो काटने की क्षमता है वो कैन कॉर्सो से भी 30 PSI ज़्यादा है, मतलब दोस्तों 730 PSI के दबाव से ये काटता है। दोस्तों, ये काफ़ी ताकत और काफ़ी मस्कुलर लगता है, लेकिन दोस्तों इसका शरीर और इसका हेड जो होता है काफ़ी बड़े साइज का होता है। दोस्तों, इसकी हाइट भी जो होती है वो 25 इंच से 30 इंच तक मानी जाती है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बैनडॉग जो हैं अमेरिकन बैनडॉग इससे ज़्यादा लंबे पाए गए हैं। वहीं पर दोस्तों, इसका वेट जो होता है वो 40 से 70 kg 60 kg तक जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ताकतवर है। अगर आप इसकी अच्छी खिलाई फिलाई करते हो तो ये 60 kg से भी मैक्स जाता है और थोड़ा मस्कुलर भी दिखता है। दोस्तों, काटने की क्षमता इतना ज़्यादा होने के कारण ये डॉग भी लोगों को नहीं पालना चाहिए। ये भी डॉग फ्रेंडली, मतलब छोटे बच्चों से फ्रेंडली होना पसंद नहीं करते हैं जल्दी। दोस्तों, नंबर वन का इंतज़ार आप लोग इतनी देर से कर रहे थे, तो नंबर वन पर दोस्तों जो है वो है हमारा कांगल शेफर्ड। दोस्तों, कांगल शेफर्ड आप समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा वेट से काटता है कि एक शेर के जबड़े की बराबर की ताकत इसके जबड़े में है। दोस्तों, इसकी हाइट भी अच्छी खासी होती है। दोस्तों, इसकी हाइट जो होती है वो 25 इंच से ले के 35 इंच तक हो सकती है, मतलब किस तरीके से आप पालते हो। मैक्सिमम दोस्तों इसको 31 इंच तक देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे कंगल शेफर्ड जो हैं वो 35 इंच तक पाए गए हैं। दोस्तों, कंगल शेफर्ड हमेशा बड़े एरिया में पाला जाता है, बड़े ग्राउंड एरिया में पाला जाता है, जहाँ पर आपने भेड़ फार्मिंग या जानवरों की फार्मिंग कर रखी है। दोस्तों, कंगल शेफर्ड जब काटता है तो वो 750 PSI की पावर लगाता है, मतलब एक शेर के जबड़े के बराबर की ताकत
लगाता है और कांगल सेफर्ड इन सब में सबसे मिलनसार होता है। लेकिन दोस्तों वही बात आ जाती है कि ये भी बना तो केवल डॉग फाइट के लिए था और फॉरेस्टिंग के लिए था, जंगली सियोरों का शिकार करने के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों ये डॉग भी काफ़ी ताकतवर है लेकिन थोड़ा सा फ्रेंडली है बाकी सारे डॉगों से। लेकिन दोस्तों गुस्सा आने के बाद तो ये डॉग दूसरे डॉग्स का भी बुरा हाल कर देता है और सामने वाले प्रतिद्वंदियों को तो धूल चटा देता है। तो दोस्तों आप लोग को इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा डॉग पसंद आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो दोस्तों अभी तक सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो है कांगल सेफर्ड, क्योंकि दोस्तों इसकी पावर तो सबसे ज़्यादा है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही अमेजिंग और डॉग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।